के कहने पर रोहिंग्याओं को उनको फ्लैट दिए जाएं। केजरीवाल जी को गरीबों की चिंता नहीं, दिल्ली में लाखों की संख्या में जो गरीब झुग्गीवासी हैं उनको मकान मिले इसकी चिंता नहीं है। लाखों गरीब जिनको आशियाना मिलना चाहिए उनकी चिंता नहीं है। दिल्ली में मुख्यमंत्री को उनकी भी चिंता नहीं जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए, जो शरणार्थी हैं जिनको वास्तव में दिल्ली सरकार को मदद देने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शरणार्थी कैंप है कश्मीरी गेट के पास, उसको बिजली के कनेक्शन अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन रोहिंग्या घुसपैठियों को बिजली के कनेक्शन भी मिले, उनको फ्री खाना भी मिले, उनको फ्री पानी भी मिले। इसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार पत्र लिख रही है, लेटर पर लेटर लिखे जा रहे हैं कि इनको फ्लैट दे दो, इनको रहने के लिए जगह दे दो, इन्हें गर्मी लग रही है, इनके लिए बिजली दे दो, एसी दे दो, कूलर दे दो, खाना दे दो। अरे केजरीवाल जी, वो क्या आपके रिश्तेदार हैं रोहिंग्या घुसपैठिए? आम आदमी पार्टी बताए, इस बात के लिए जवाब दे। ये पत्र किसने लिखे? 4 अगस्त को डिपार्टमेंट ऑफ होम ने एक पत्र लिखा, FRRO रिक्वेस्टेड टू कोऑर्डिनेट विद NDMC फॉर टेकिंग ओवर पोजीशन ऑफ कम्युनिटी सेंटर अलोंग विद द 240 EWS फ्लैट। ये 4 अगस्त 2021 को पत्र लिखा, गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के द्वारा पत्र लिखा गया। गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार किसके अंतर्गत? पहले इसके मंत्री थे जैन साहब जो जेल में है, दूसरे मंत्री हैं अभी मनीष सिसोदिया जी। दोबारा फिर एक पत्र लिखा इन्होंने 6 नवंबर 2021 को, वो DCP इनके DM ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, जो DC हैं साउथ ईस्ट के, उन्होंने लिखा, फॉर द कंप्लीशन ऑफ सिक्योरिटी ऑडिट। फिर एक पत्र इनके DM ने साउथ ईस्ट ने फिर लिखा DCP को। फिर एक मीटिंग हुई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में, और उसमें निश्चित हुआ, डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड द अलॉटमेंट ऑफ बारात घर अलोंग विद द EWS फ्लैट सिचुएटेड एट बक्करवाला विलेज। लगातार 8 अगस्त को फिर इन्होंने, इनके DM ने लगातार पत्र लिखा दिल्ली सरकार के कहने पर, और वो पत्र, सारे पत्र किसके लिए लिखे जा रहे? रोहिंग्या घुसपैठिए जिनके सबसे बड़े हितैषी केजरीवाल हैं, जो दिल्ली के लाखों टैक्स पेयर का पैसा इन घुसपैठियों के ऊपर खर्च करके उनको तो फ्लैट देना चाहते हैं, लेकिन गरीब झुग्गीवासी जो दिल्ली में, जहां झुग्गी वहीं मकान उन्हें मिले, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं है। और किस तरह से अपने बार बार बयान बदलना, ये इनकी फितरत हो गई है, इनकी आदत हो गई है। और ये जो 23 जून 2021 को जो पत्र इनके द्वारा लिखा गया, दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसमें लिखा गया अलॉटमेंट ऑफ ऑल EWS फ्लैट सिचुएटेड एट बक्करवाला विलेज दिल्ली फॉर पर्पज ऑफ रिस्ट्रिक्शन सेंटर, ये पत्र भी दिल्ली सरकार के द्वारा लिखा है। ये देखिए, दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा लिखा गया। इन सब बातों से साफ ये जाहिर होता है कि केजरीवाल जी को पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को बिजली मिल जाए, उनको कनेक्शन मिल जाए, उनके बच्चों का एडमिशन हो जाए, इसकी उन्हें चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है उन रोहिंग्या घुसपैठियों को कि जो दिल्ली में चोरी, दिल्ली में डकैती, दिल्ली के अंदर चैन स्नैचिंग, दिल्ली के अंदर अपराध, दिल्ली के अंदर ड्रग के अपराध, ये सारे अपराध जो करने वाले लोग हैं, दंगे कराने वाले लोग, समाज के अंदर वैमनस फैलाने वाले लोग, ये सारे काम जो दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठिए कर रहे हैं, उनके कैसे वोट बन जाए, उनके कैसे
कनेक्शन हो जाए बिजली के, कैसे उनको पानी फ्री दिया जाए, कैसे उनको सुविधाएं दी जाए, इसके लिए वो दिल्ली के टैक्सपेयर का पैसा वहां लगा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी जो कश्मीरी गेट पे हैं उनके पास जब जाते तो वहां बिजली के कनेक्शन नहीं दिए। दिल्ली सरकार से कई बार डिमांड की, उनके बच्चे पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं मिल रहा उनके बच्चों को। ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा है जो मैंने आपको बताया है। वास्तव में रोहिंग्याओं के जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ जब कार्रवाई होती है, जब बुलडोजर चलता है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक उस बुलडोजर के सामने लेट जाते हैं। ये इनका असली चेहरा है जो राष्ट्र विरोधी, देश के लिए खतरा है, ऐसे घुसपैठियों को बसाने के लिए, उनको फ्लैट दिलाने के लिए पत्र लिखते हैं, उनको फ्लैट दिलाने के लिए मीटिंग करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। दिल्ली की सरकार का ये असली चेहरा मैंने आपके सामने रखा है। धन्यवाद। आपका सवाल। देखिए, शायद आपको पता नहीं, लगातार पिछले 2-2.5 साल से ही नहीं, पहले से ही हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो देश की सुरक्षा के प्रति खतरा है, ऐसे लोगों के आगाह करना, कानून को बताना, प्रशासन को बताना लगातार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने ऐसे कोई घुसपैठिए उनके लिए तुरंत कार्रवाई करती है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है कि देश की सुरक्षा पहले है, और इसलिए बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, गृह मंत्रालय ने जिस तरह से कल ये स्पष्ट किया कि कोई भी घुसपैठिया, उसको कोई भी जगह नहीं है देश के अंदर, उनको डिपोर्ट करना ही। और डिटेंशन सेंटर की जहां तक बात है, वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी जगह सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है। धन्यवाद।